प्रिय विद्यार्थियों, आनंदम कार्यक्रम में व्याख्यानमाला में मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा क्षय आचार्य समाज शास्त्र आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको महिला सशक्तिकरण यानी ह्यूमन एम्पावरमेंट विषय पर चर्चा करूंगा। महिला सशक्तिकरण आज की इस आधुनिक और उत्तर आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थाओं का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण हुआ है भारतवर्ष में, वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया समाज में। समाज में किस प्रकार से ये महिला सशक्तिकरण क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, इसके लिए हमें पहले पंचायती राज संस्थाओं के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, वैदिक युग से अंग्रेजों के आगमन तक भारतीय प्रशासनिक रूप का इतिहास ये स्पष्ट संकेत करता है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में ग्राम पंचायत शासन की सबसे छोटी किंतु महत्वपूर्ण संगठित इकाई के रूप में प्रशासनिक एवं विकास से संबंधित कार्य करती रही है। पंचायत भारतवर्ष में एक पुरानी अवधारणा है और एक प्रकार से ये सभ्यता के इतिहास में लोकतंत्र की सबसे पहली अवधारणा है। भारतवर्ष में कई साम्राज्यों का उदय एवं पतन हुआ, किंतु ग्राम पंचायत भारतीय परंपराओं को निरंतरता एवं विकास प्रदान करने में प्राचीन काल से आज इस आधुनिक और उत्तर आधुनिक युग तक भूमिका निभा रही है। वेदों, पुराणों, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत आदि महाग्रंथों में पंचायत जैसी संस्था का वर्णन मिलता है। वैदिक युग में गांव का प्रशासन एक प्रतिष्ठित अधिकारी के द्वारा होता था। उस अधिकारी को ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। ग्रामीणी की समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी। ग्रामीण जीवन में यह इतना महत्वपूर्ण पद था, जब भगवान राम ने रावण को मारा तो देवताओं ने भगवान राम की तुलना ग्रामीणी से की। भारतीय इतिहासकार प्रोफेसर अल्टेकर ने कहा है कि ग्रामीणी प्रशासन का प्रधान होता था। ये पद समाज में बहुत प्रतिष्ठित था। राजा गांवों में अपने अधिकारों का प्रयोग ग्रामीणी के द्वारा करता था। प्रोफेसर अल्टेकर ने विभिन्न शिलालेखों का अध्ययन के आधार पर बताया है कि ग्रामों की समस्याएं सुलझाने के लिए ग्राम सभाएं होती थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये महत्वपूर्ण निकाय थे जो एक गांव या गांवों के समूह को प्रशासित करते थे। मेटकेफ ने इन्हें लिटिल रिपब्लिक यानी लघु गणतंत्र कहा। मौर्य काल में भी, जिसे अंधकार युग माना जाता है, में ग्राम पंचायत प्रशासन की सबसे छोटी इकाई रही, जिसे ग्राम प्रमुख ग्रामीण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन मौर्य काल के समान ही था। प्रोफेसर अल्टेकर का कहना था कि ग्राम प्रशासन के बारे में इस प्रकार से, ग्राम प्रशासन का अध्यक्ष ग्रामाध्यक्ष होता था और ग्रामाध्यक्ष की सहायतार्थ एक ग्राम परिषद होती थी जिसे जनपद के नाम से जाना जाता था। ग्राम परिषद का प्रमुख दायित्व एवं कार्य गांव की रक्षा, झगड़ों का निपटारा, राजा के लिए करों का संकलन, जनहित के कार्य एवं कमजोर एवं अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना आदि। न्यायिक कार्य राजा के अधिकारी द्वारा किए जाते थे। इसमें अधिकारी ग्राम परिषद की सहायता लेता था। कुछ परिस्थितियों में ग्राम परिषद अकेले भी न्यायिक कार्य करती थी। वैदिक तथा मौर्य काल में ग्राम प्रमुख एवं लेखाकार दोनों महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो ग्राम प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ग्राम परिषद के रूप में बदलते रहे, किंतु कार्य लगभग तीनों कालों में एक जैसे ही रहे। मुगल काल में ग्राम प्रशासन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। मौर्य एवं गुप्त काल जैसा विशाल एवं स्वशासन
ग्रामीण समुदाय मुगल काल में भी था, इस काल में भी ग्राम प्रशासन में ग्राम प्रमुख, लेखाकार तथा ग्राम परिषदें आदि कार्यरत थे। ग्राम पंचायत राज की अवधारणा के बारे में महात्मा गांधी की विचार। गांधी जी हमेशा ग्राम स्वराज्य एवं ग्राम विकास के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने पंचायती राज पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, ग्राम स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण गणतंत्र होगा जो अपनी मुख्य आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा और फिर भी बहुत सी दूसरी जरूरतों के लिए, जिनमें दूसरों का सहयोग उजागर होगा, वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला कर्तव्य यह होगा कि वह अपनी मूल आवश्यकताओं, अनाज और कपड़ों के लिए पूरा कपास स्वयं पैदा करे। गांव के पास इतनी जमीन होनी चाहिए जिसे पशु चर सके और गांव के बड़ों व बच्चों का पोषण हो सके। गांधी जी ने गांवों को महत्व देते हुए कहा, भारत का विकास तभी होगा जब गांवों का विकास होगा। महात्मा गांधी की पहल पर ही पंचायत व्यवस्था को संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था। भारत की आजादी यानी 1947 तक गांव में सही मायने में पंचायत व्यवस्था का अभाव ही रहा। स्वतंत्रता के पश्चात इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सक्रिय प्रयास प्रारंभ हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन दोनों ही असफल रहे। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट ने उपयुक्त दोनों कार्यक्रमों का अध्ययन करके सिफारिश की कि विकास में लोगों की भागीदारी के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। इस समिति के लिए योजना व प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है, अर्थात पहली बार विकेंद्रीकरण के साथ लोकतांत्रिक सब जोड़ा गया। इस समिति की सिफारिशों में पंचायत राज के त्रिस्तरीय ढांचे के अलावा पंचायतों का निर्वाचित इकाई होना, महिलाओं व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व है, पंचायत समिति का गठन एवं पंचायत समिति के माध्यम से समस्त आर्थिक सहायता के व्यय किए जाने की सलाह दी जानी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन कर उसे और अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव 1977 में अशोक मेहता समिति ने दिया। इन समितियों के अलावा 1985 में जीवी के राव समिति, 1986 में डॉक्टर एमएल सिंघवी समिति गठित की गई और उनके सुझावों पर ध्यान दिया गया। विभिन्न समितियों की सिफारिशों से यह निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि बिना संविधान संशोधन के पंचायतों को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की। इसी क्रम में 15 मई 1989 को राजीव गांधी द्वारा 64वें संविधान संशोधन के विधेयक के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। 16 दिसंबर 1991 को 72वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। ये विधेयक 64वें संविधान का ही थोड़ा सुधरा हुआ रूप था। संसद की प्रवर समिति ने इसका गहनता से अध्ययन किया और 72वां संशोधन ही 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा व अगले दिन राज्यसभा में 73वें संविधान अर्थात 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में पेश हुआ। सत्रह राज्यों के अनुमोदन के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त कर ये विधेयक 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हो गया। अर्थात 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिल गया और संविधान में एक नया भाग 9 पंचायत शीर्षक से जुड़ गया। तो बच्चों, पंचायती राज के जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में की क्या विशेषताएं थी, इसके क्या फीचर, उसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो इस प्रकार थी।
कि इस अधिनियम द्वारा या इस एक्ट द्वारा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, मतलब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति या पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय त्रिस्तरीय प्रणाली बनाएगी। थ्री टायर सिस्टम बनाया गया, विलेज पे विलेज ग्राम पंचायत और पंचायत पे पंचायत समिति और जिला पे जिला परिषद। ग्राम सभा को इन अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया और ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के लिए उत्तरदायी बनाया गया। तीसरी विशेषता थी सभी स्तरों पर सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव। पंचायती राज में महिलाओं को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। महिलाओं के लिए सदस्य व अध्यक्ष पदों के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है कि महिलाओं के लिए सदस्य मतलब मेंबर और अध्यक्ष चेयरमैन पदों के लिए उसमें ये नियम बनाया गया कि कम से कम 1/3 जगह उनके लिए आरक्षण किया गया, जो एक समाज में महत्वपूर्ण कदम रहा और समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों उनकी जनसंख्या के अनुपात में सदस्य व अध्यक्ष के लिए आरक्षण। अगली विशेषता है 5 साल में एक बार चुनाव का प्रावधान। यदि पंचायतें पहले विघटित हो जाती है तो विघटन में 6 महीने के भीतर निर्वाचन व्यवस्था की गई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 5 साल में एक बार चुनाव का प्रावधान। इससे पहले देखा जाए तो जो 1958 में पंचायत राज की स्थापना हुई, सबसे पहले राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुई और उसके बाद कई बार ये चुनाव हुई ही नहीं, इलेक्शन जो है प्रावधान चुनाव नहीं हो पाए। तो इसके लिए ये इस एक्ट में 73rd Amendment Act में ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 5 साल में एक बार चुनाव का प्रावधान। राज्य चुनाव आयोग के लिए निरीक्षण एवं नियंत्रण में सुझाव। 73वें संविधान संशोधन ने यह संकेत दिया कि राज्य के विधान मंडलों को ये विधायी शक्ति होगी कि वे पंचायतों को ऐसी शक्ति व प्राधिकार प्रदान करें जिससे वे स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सके। पंचायतों को सौंपे जाने योग्य उत्तरदायित्व में प्रमुख है आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना, उन योजनाओं का क्रियान्वयन। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यों के अनुसार कार्य करना। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया इसमें, और मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने नई व्यवस्था के तहत मई जून 1994 में पंचायती राज चुनाव करवाए और वास्तव में इसके बाद अधिकांश राज्यों में पंचायती राज संबंधी अपने कानून बना लिए गए जो संविधान के 73वें संविधान की मूल भावना पर आधारित थे। उसके बाद जो 94 के बाद राजस्थान में भी कई चुनाव हो चुके, 3 या 4 चुनाव अभी तक हो चुके। इसमें देखा गया है कि महिलाओं की जो भागीदारी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, 1/3 सीट पे सदस्य मेंबर और चेयरमैन की पे वो आ चुकी हैं और महिलाओं ने उसमें महिलाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उनके प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो अशिक्षा थोड़ा उनमें बाधा उत्पन्न हुई प्रारंभ में, लेकिन प्रशिक्षण दे के महिलाएं उसमें पंचायत राज में चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जिला परिषद मेंबर हो या जिला परिषद अध्यक्ष हो या पंचायत समिति के अध्यक्ष हो, उसमें एक कार्य किया उन्होंने। प्रारंभ में उनके परिवार के सदस्यों ने, पुरुषों ने उनमें उनके कार्यों में दखलंदाजी की, जिसके नाम से उनको गांव में SP निकाला जाने का, यानी सरपंच पति। लेकिन बाद में महिलाओं इसमें आगे आने लगी और उन्होंने प्रशिक्षण के बाद काफ़ी अच्छा कार्य किया और उनको उन्होंने कई मामले में ऐसे भी आए कि जहाँ पे अपने परिवार में उन्होंने अपने इवन पति और देवर और इनको भी इनके खिलाफ में भी उन्होंने डिसीजन लिया, मतलब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी इनकी बढ़ी, पार्टिसिपेशन बढ़ा। और इस तरह से महिला सशक्तिकरण में जहाँ महिलाओं का पहले 4 या 5% से भी कम था पार्टिसिपेशन, वो 73rd Amendment Act के बाद 33% हो गया और 33% होने के बाद महिलाओं का जो प्रशिक्षण है गांव के प्रति जागरूकता बढ़ी, है ना, ह्यूमन सेंसिटाइजेशन महिला संवेदनशीलता बढ़ी और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ी, है ना, एजुकेशन में उनका रोल हुआ और गांव के जो कई जो इम्पोर्टेंट सुधार कार्य में उनका महत्वपूर्ण या विकास कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका होने लगी। तो एक तरह से महिला सशक्तिकरण काफ़ी ज़्यादा हुआ। उसके बाद महिलाओं की जो भागीदारी हुई पंचायती राज के द्वारा, इनका सशक्तिकरण हुआ और इनकी जो कार्य क्षमता को देखते हुए सरकार ने इनके आरक्षण को
इनकी पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता, कुशलता, विकास कार्यों में निर्णय लेने की क्षमता आदि को देखते हुए केंद्र सरकार ने महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में 50% कर दिया, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए शुभ संकेत है। और इन्होंने, इन महिलाओं ने समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। और धन्यवाद। क्या नहीं?